हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये प्यारा सा बैग बनाएंगे। इसमें जो सामने का भाग है वो एक बहुत बड़ी पॉकेट है। इसमें काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं, अंदर भी काफ़ी जगह है, काफ़ी सामान रख सकते हैं। इस बैग को बनाने में ना तो आपको फोम की ज़रूरत है ना लाइनिंग की, बस जो पुराने शॉपिंग बैग है उसी से बैग बनेगा। कपड़े की चौड़ाई 15 इंच है। कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा है तो इसकी लंबाई 13.5 इंच है। आप 13.5 इंच के भी दो पीस ले सकते हैं और इसे पूरा खोलेंगे तो ये 27 इंच लंबा है। एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड वाली साइड से हमें मार्किंग करनी है, निशान लगाने हैं। 2.5 इंच पे मैंने पहला निशान लगाया है। अब 1 इंच डाउन करके हमें निशान लगाना है। अब इसे गोलाई में मिलाएंगे। यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए। 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो खुले किनारे हैं वहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। यहाँ भी हमें 2 इंच पे ही मार्क करना है। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है और कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक के फ्रंट और बैक का पार्ट बन गया है। ये देखिए, एक लंबा सा पीस तैयार हो गया है। अब पॉकेट के लिए हमें कटिंग करनी है तो हम उतनी ही लंबाई चौड़ाई का कपड़ा लेंगे, 15 इंच चौड़ा और इसकी लंबाई 13.5 इंच है। अब इसे बीच से हमें फोल्ड कर लेना है और जैसी कटिंग हमने रेड वाले कपड़े में की है वैसी ही कटिंग इसमें भी मार्क करना है। पहले कटिंग के बराबर मैंने मार्क कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हमें एक बात का ध्यान देना है कि जहाँ से हमने कटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ से 2.5 इंच नीचे हमें एक और मार्क करना है यहाँ से। अब बीच वाले निशान से इसे नीचे तक हमें गोलाई में मिला लेना है और पॉकेट की कटिंग इस तरीके से होगी। बीच की गोलाई हमने कट की और किनारे इस तरीके से हमें काट लेना है। तो ये पॉकेट तैयार हो गई। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है वो लगभग 24 इंच लंबा है और कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच है। इसे थोड़ा थिक बनाने के लिए इस तरह के शॉपिंग बैग से मैंने करीब 1.25 इंच की स्ट्रिप कट की है। दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए बीच में हम शॉपिंग बैग या फिर कोई कपड़ा लेकर या फोम रखकर सिल्क किनारे किनारे सिलाई करेंगे। तो देखिए, दोनों बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। बैग में फोम और लाइनिंग की जगह इस तरह के जो शॉपिंग बैग है उसका हम यूज़ करेंगे। कपड़े के साथ हमें इसी की सिलाई करनी है। तो जितनी लंबाई है उसी के अनुसार मैंने शॉपिंग बैग के पीस को काटकर, दो पीस को काटकर सिलाई करके एक लंबा पीस बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें रेड कपड़े को रखना है और आगे से ही हमें सिलाई करनी है। दोनों साइड हम खुला रखेंगे, ऊपर हमें सिलाई करनी है। किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे और जो दूसरा पीस है उसे भी हमें इस तरीके से उल्टा रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें भी केवल ऊपर का जो पार्ट है उसे ही हम सिलेंगे, साइड में और नीचे से खुला रहेगा। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और किनारे किनारे हमें जहाँ गोलाई है वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब इसे हम सीधा करेंगे और जो कॉर्नर है उसे अच्छी तरह से हम निकालेंगे। कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है, टॉप स्टिच ऊपर से लगानी है। देखिए, इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरीके से दो सिलाई लगा ली है। बैक के रेड वाले पार्ट पे भी मैंने सिलाई कर ली है, लेकिन जहाँ हमें बेल्ट लगाना है वहाँ पे सिलाई हमें खोल लेनी है और बेल्ट को हम अंदर से लगाएंगे।
आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन अब कपड़ा कटिंग हो जाता है जो एक्स्ट्रा कपड़ा, तो उसके बाद लगाना सही रहता है। तो जो दूसरा बेल्ट का पार्ट है उसे दूसरी साइड हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पहले सिलाई खोल लेनी है, बस उतनी दूर की हमें सिलाई खोलनी है जहाँ हमें बेल्ट लगाना है। और बेल्ट को अंदर की तरफ रखते हुए हमें यहाँ रखकर सिलाई करनी है। बेल्ट मैंने लगा ली है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे, कपड़े को सीधा करेंगे, बेल्ट को खींच कर निकालेंगे तो कॉर्नर अच्छी तरह से निकल जाएंगे। अब इसके ऊपर भी हमें किनारे किनारे सिलाई कर लेनी है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए सिलाई मैंने कर ली है और बैक का जो आगे पीछे का पार्ट है दोनों तैयार हो गया है। बेस के लिए कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। बैक का बेस बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्क किया है और 1.5 इंच हमें लंबाई चौड़ाई दोनों में मार्क करना है। 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे दोनों साइड से और किनारे आपको सिलाई के लिए हल्की जगह रख लेनी है साइड में, उसके बाद हम 1.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। दूसरी साइड भी हमें बॉक्स बना लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो पॉकेट वाला कपड़ा है उसे हमें ऊपर रखना है और यहाँ से मिलाते हुए देखिए कहाँ सिलाई करनी है, ऊपर सिलाई करेंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हल्का सा आप कटिंग भी कर सकते हैं, नीचे उसे फोल्ड करके सिलेंगे और दोनों साइड को सिल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई कर ली है, ये पॉकेट बन गई है, किनारे और नीचे भी हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड में और नीचे भी सिलाई हो गई है। आप चाहे तो बीच से सिलाई करके इसमें दो पॉकेट बना सकते हैं। अब इसे बराबर करते हुए हमें रखना है और दोनों किनारों पर सिलाई कर लेंगे। दोनों किनारों पर सिलाई हो गई है। अब जो बॉक्स बना है उसे हमें इस तरह से दोनों साइड को मिलाते हुए सिलाई करना है जिससे बैक का बेस बन जाएगा। इस तरह से पकड़ेंगे और सीधा मिलाते हुए हमें सिलाई करनी है। ये देखिए बैक का बेस बन गया है, अब बैक को सीधा कर लेंगे। ये देखिए बेस कितनी अच्छी तरह से बन गया है, काफ़ी सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं, पॉकेट भी बनकर तैयार है और बैग में भी काफ़ी जगह है, बीच में आप वेलक्रो या बटन लगा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे वेलक्रो लगा लिया है, आप चाहे तो यहाँ बटन भी लगा सकते हैं और हमारा बैग बनकर तैयार है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बैग आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।